आज हमारे बीच यहाँ पर कुछ बच्चे जो लेखपाल वैकेंसी में परीक्षा दे चुके हैं वो लोग उपस्थित हैं। बाहर दूर दूर से लोग आए हुए हैं प्रयागराज के। कुछ बच्चे और अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे जो कि लेखपाल की वैकेंसी के लिए परीक्षा दे चुके हैं। आइए बात करते हैं इनसे। आप सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम विशाल मिश्रा है, हम प्रयागराज से हैं, हम लेखपाल के स्टूडेंट हैं और हमारी पेट की परीक्षा हुई थी 2021 में 24 अगस्त को, और जो मेन परीक्षा हुई लेखपाल की वो हुई 31 जुलाई 2022 को। और हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 9 महीने बीत चुके, रिजल्ट नहीं आया। एग्ज़ाम के एक दिन बाद जो सचिव जी का बयान आया था पेपर में कि हम जल्द ही अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट दे देंगे और उसके बाद मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, किंतु मार्च बीत गया, अप्रैल लग गई, मगर ना ही रिजल्ट आया है, ना ही सचिव की तरफ से कोई स्पष्ट बयान आ रहा है, ना संतुष्टि दे रहे हैं कि हम लोग अपने रिजल्ट के लिए आशान्वित हों। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, डिप्टी सीएम को, विधायक को हम लोग ज्ञापन देके अपने अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं शासन स्तर पर, किंतु कोई संतुष्ट चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कुछ लोग कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी वैकेंसी को फंसा रहे हैं और चीज़ें दर बदर फंसती चली जा रही हैं। हम लोग संतुष्टि नहीं मिली, रिजल्ट नहीं आ रहा है लेखपाल का। ये लेखपाल की परीक्षा जो हुई थी किस डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया था, लोक सेवा आयोग या अदर से? ये UP SSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये उत्तर प्रदेश। क्या वहाँ से रिजल्ट के लिए आप लोगों को कुछ सूचना मिली कि अभी तक विलंब क्यों हो रहा है? वहाँ से कोई सूचना नहीं मिलती है, वो हमको जाते हैं बताते हैं कि आप 2 महीने और वेट करिए, 1 महीने और वेट करिए, कोर्ट केस चल रहा है, तमाम चीज़ें हर वैकेंसी कोर्ट केस के आगे चल के क्लियर हो जाती है, वो बता देते हैं कि कोर्ट के अधीन रहेगा। हर लगभग 90% वैकेंसी हर में जब रिजल्ट आता है उसमें बता देते हैं कि फली वैकेंसी रिट के अधीन है, इसका रिजल्ट दिया जा रहा है, मगर लेखपाल में कोर्ट के नाम पर इसको टांगा जा रहा है, आगे लेट किया जा रहा है। हम लोग चिंतित हैं कि हम लोग का रिजल्ट कब आएगा, घर वाले भी परेशान हैं और हम 2 लाख लड़के जो स्टूडेंट हैं जो परीक्षा दिए हैं वो भी परेशान हैं लगातार। इसकी परीक्षा देने की संख्या लगभग 2 लाख है, 2,12,000 लड़के जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो फॉर्म भरे थे 2,50,000 लड़के फॉर्म भरे थे इसमें।